ये कहना चाहूंगा कि आपको भी अगर कहीं ऐसा एहसास हुआ हो कि मैं अपनी जिम्मेवारी ठीक नहीं निभा पाया, तो आप भी बताएं। पिछले दिनों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें हमारी पार्टी पे ये कहा गया कि हमने बीजेपी की भूमिका निभाई है विधानसभा, लेकिन आप लोगों को इस बात का अच्छी तरह से पता है कि अगर मैं विधानसभा का सेशन चल रहा हूँ सेशन में ना जाऊं तो मेरे ख्याल आपका भी फिर विधानसभा में मन नहीं लगता होगा। अभी अभय सिंह जी ने आपके सामने सारी बातें रखी कि पार्टी का प्रोग्राम क्या हम शुरू करने जा रहे हैं। लगातार चार साल से जिस प्रकार से विधानसभा के अंदर हमारे विधायकों के साथ मिलकर जो लड़ाई लड़ी वो भी आपके सामने है। और जहां तक पार्टी के संगठन की बात है, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने हमेशा अपने परिवार से भी ज्यादा महत्व संगठन को दिया है। और हम तो ऐसे लोग हैं, अभी अभय सिंह जी ने जिस प्रकार बताया कि चार साले भी कहे गए, यहाँ कम से कम दो लोग तो ऐसे बैठे हैं जो 23 जनवरी 1986 को जब चौधरी देवीलाल द्वारा रास्ता रोको कहा गया था पूरे प्रदेश के अंदर, तो उसके अंदर भी धारा 144 तोड़ने के जुर्म में धारा 188 के तहत मुकदमे झेलने वाले रामपाल माजरा और अशोक अरोड़ा बैठे हैं, जिन्होंने लगातार इस पार्टी के हर प्रोग्राम में, यहाँ तक भी कि जब चौधरी देवीलाल जी ने पंजाब के अंदर चुनाव लड़ा था, 3 लोकसभा सीटों में चुनाव लड़ा था, सीकर से, रोहतक से और पंजाब में उस समय आतंकवाद हुआ करता था, फिरोजपुर से चुनाव लड़ा था और फिरोजपुर की जीरा कौनसी में जहां सबसे ज्यादा आतंकवाद का साया था, हम तो उस समय भी अपनी जान की परवाह ना करते हुए चौधरी देवलाल के लिए कन्वेंशन में गए थे, उन लोगों में से। और आज भी हमने चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के साथ, अजय सिंह जी के साथ बहुत लंबा समय काम किया, अभय सिंह जी के साथ जहां भी ड्यूटी लगी, राजस्थान चुनाव में लगी, उत्तर प्रदेश चुनाव में लगी, हरियाणा के किसी उपचुनाव में लगी, हमने अपनी ड्यूटी को निभाया। और अजय सिंह जी चौटाला साहब के जेल जाने के बाद जिस दिन उनको सजा हुई उस दिन मेरे पैर में फ्रैक्चर था और प्लास्टर लगा हुआ था, हम जैसे अभय सिंह जी ने बताया कि हम सब लोग बैठे थे, निर्णय लिया गया कि अब कार्यकर्ताओं को मायूसी से उभारना है। ये बात 22 जनवरी सन 2013 की है और 25 जनवरी को ही जींद में पहली मीटिंग रखी गई, दूसरी मीटिंग कैथल में रखी गई। और हम रखी तो हमने मीटिंगें थी परंतु कार्यकर्ताओं का हजूम बढ़ता गया, रैलियों में तब्दील होती गई और हमें कहते हुए बड़ी खुशी है कि हमने पार्टी के कार्यकर्ताओं की मायूसी को उभारा। जो लोग हमें कमजोर करना चाहते थे, कुछ लोग तो ऐसे थे जो ये कहा करते थे इनकी दुकान बंद हो जाएगी, आज वो तो जहां से शुरू हुए थे उस दुकान में जाके शामिल हो गए और इंडियन नेशनल लोकदल कार्यकर्ताओं के दम पर उसी प्रकार वट वृक्ष बना। और जब 18 अप्रैल को बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती जी ने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने ये निर्णय लिया कि दोनों पार्टियां मिलकर हरियाणा प्रदेश में लड़ाई लड़ेंगी, क्योंकि दोनों की एक विचारधारा की लड़ाई थी, एक कमेरे की विचारधारा, जहां साहब कांशीराम ने हमेशा कमेरे की बात कही, चौधरी देवीलाल एक ऐसे व्यक्ति थे कि जहां बाबा साहब ने वोट का अधिकार दिया था, एक सबसे बड़े राष्ट्रपति की वोट की कीमत और एक पीएन की वोट की कीमत बराबर की थी, मुकेश अंबानी की वोट की कीमत और एक रेडी पे फल बेचने वाले की बराबर की थी, वहीं चौधरी देवीलाल बड़े बड़े घरानों से राजनीति निकालकर, दिल्ली के महलों से निकालकर गलियों में लाए थे, दोनों ने कमेरे की राजनीति की और दो विचारधाराओं का मिलन हुआ, तभी से एक शुरू हो गया कि यह गठबंधन टूटेगा, ये कमजोर होगा, क्योंकि हर जगह एक चर्चा शुरू हो गई, हर जगह चर्चा ही शुरू हो गई कि आने वाली सरकार गठबंधन की बनेगी। और 7 अक्टूबर की जो रैली थी उसके अंदर हरियाणा प्रदेश की जनता ने जहां गठबंधन पे मोहर लगाई, वहां इस सरकार की विफलताओं के ऊपर भी मोहर लगाई, आने वाली सरकार की मोहर लगाई, परंतु उसके बाद जो घटनाक्रम हुआ बड़ा दुखदायी है, उसके अंदर पहली बार पार्टी के अंदर अनुशासनहीनता हुई,
पार्टी में अनुशासनहीनता हुई, चौटाला साहब ने संज्ञान लिया। आपकी तरफ से बार बार ये कहा जा रहा है कि वो पत्र चौटाला साहब वाला नहीं है, आज आपको पत्र भी वो दिखा देंगे जिसमें चौटाला साहब ने कहा हुआ है। उसके बाद लगातार ये उम्मीद थी कि अजय सिंह जी बाहर आएंगे, अजय सिंह जी से बात की जाएगी और पार्टी के अंदर जो गतिरोध है इसको समाप्त किया जाएगा। हमारी पार्टी में कभी भी इस प्रकार की लड़ाई नहीं हुई कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। आप लोगों ने जब भी पूछा हमने आपसे यही जवाब दिया कि जिसे चौधरी ओम प्रकाश चौटाला कहेंगे मुख्यमंत्री वही होगा। आप में से कई बार ये भी जवाब आया कि परिवार से बाहर का भी हो सकता है, मां क्यों नहीं हो सकता, कहने लगे ये परंपरा ही रही, मां बहुत बार रही, नारसीदास गुप्ता भी बनाए थे, चौधरी देवीलाल ने बनाए थे, मास्टर हुकम सिंह जी भी बनाए थे। हमारी तरफ से कभी भी ये नहीं कहा गया कि कौन मुख्यमंत्री होगा और ना ही अभय सिंह जी की तरफ से कहा गया। परंतु 5 तारीख के बाद हमारे भाई अजय सिंह जिनके साथ बड़े लंबे समय से हमने संघर्ष किया, बड़ा लंबा उनके साथ रहा, और मैं तो अपने आप को, हम जितने लोग यहाँ बैठे हैं, हम लोकदल को लोकदल पार्टी नहीं मानते, हम लोकदल को एक परिवार मानते। 30-30, 40-40 साल से लोग जिस पार्टी से जुड़े हों वो एक परिवार बन जाता है, और परिवार में बिखराव ना हो इसके लिए हमने प्रयास भी किए। बड़े खुले शब्दों में कहेंगे कि हम मिले अजय सिंह जी से मिले, हमने आपस में बात भी की, क्योंकि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को इतनी पीड़ा जब नहीं थी जब वो 10 साल के लिए कैद हुए थे। उन्होंने कहा एक साजिश का शिकार हुआ हूं, मुझे कोई पीड़ा नहीं है, मैं अपने उन कार्यकर्ताओं के लिए उन लोगों के लिए जिनका मैंने चूल्हा जलाया, नौकरियां दी, अगर मुझे सजा हो गई है तो मैं उसको बर्दाश्त करूंगा। परंतु जब इस प्रकार की बातें उनके सामने आई तो निश्चित रूप से उनको पीड़ा आई, और उन्होंने मुझे एक लेटर 12 तारीख को दिया कि मेरा ये फैसला आप प्रेस में जाके सुना देना। मैंने फिर भी प्रयास किया कि नहीं, ऐसा फैसला चो साहब नहीं होना चाहिए, आप प्रयास करो। परंतु मैं मानता हूं कि हम अपने प्रयास में कहीं ना कहीं विफल रहे, हम कोई लड़ाई भी नहीं थी, और उसके बावजूद भी आज हमें एक दुखदायी फैसला जो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने एक पत्र मुझे दिया था, मैं आपको पढ़ के सुना। मैं इंडियन नेशनल लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में पहले भी स्पष्ट कर चुका हूं कि पार्टी सर्वोपरि है, उससे कोई भी व्यक्ति बड़ा नहीं, चाहे वो मेरे परिवार का सदस्य हो या कोई और हो। इनेलो की नींव इसी सिद्धांत और आदर्श पर रखी हुई गई है, इसी की पालना करते हुए पार्टी सक्षम तरीके से हरियाणा प्रदेश के हितों की रक्षा करती आई है। लेकिन पिछले कुछ समय से हरियाणा राज्य के इकाई के प्रधान महासचिव श्री अजय सिंह चौटाला को पार्टी विरोधी गतिविधियां पीड़ादायक और असहनीय हो गई हैं। उनकी गतिविधियों और भाषणों से पार्टी की एकता और अखंडता को, प्रतिष्ठा को गहरा आघात लगा है, और इन गतिविधियों के कारण पार्टी विरोधी तत्वों को भी बढ़ावा मिला है। इसी कड़ी में दिनांक 12 नवंबर 2018 को सभी सीमाओं को लांघते हुए अजय सिंह चौटाला ने एक अनधिकार चेष्टा करके पार्टी के सभी पदाधिकारियों और नेताओं की एक असंवैधानिक बैठक दिनांक 17 नवंबर 2018 को बुलाई है। इससे स्पष्ट हो गया कि अजय सिंह चौटाला एक समानांतर संगठन चलाने का प्रयास किया जा रहा है ताकि पार्टी को कमजोर किया जा सके। इसे ध्यान में रखते हुए मैं तुरंत प्रभाव से अजय सिंह चौटाला को राज्य इकाई के प्रधान महासचिव पद से और उनकी पार्टी में सदस्यता से निष्कासित करता हूं। इस निर्देश का पालन पार्टी कार्यालय द्वारा संत किया जाए। सर साइन 12 को उन्होंने मुझे दिया था, मैंने पहले बता दिया आपको, मैंने सर कॉपी आपको कॉपी भेज दी जाएगी, आपको कॉपी भेज दी जाएगी, उसके उनके आदेशों का हमने पालन करते हुए आपको कॉपी भेज देंगे। आप बात तो सुन लो, जो उन्होंने मीटिंग कराई है, बुलाई है, वो मीटिंग इनलीगल है, और हमने अपनी पार्टी की तरफ से, मैंने चौधरी ओम प्रकाश चौटाला से सलाह मशवरा करके हमारी पार्टी के एमएलए की, एमपी की,
XMLA की, प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्यों की, जिला प्रधानों की, अलका प्रधान, शहरी प्रधान और सेलों के संयोजकों की मीटिंग 17 तारीख को 11 बजे जाट भवन चंडीगढ़ में बुलाई गई। ये अरोड़ा साहब कब का डिसीजन है? डिसीजन आज लिया गया है। चौटाला साहब ने मुझे 12 तारीख को कहा था, मैंने फिर भी प्रयास किया है और लोगों से भी हमने प्रयास किया कि हमारा एक परिवार है और हमने हमेशा कमेरे की लड़ाई लड़ी है और आज भी हम कमेरे की लड़ाई लड़ने जा रहे हैं, परंतु कुछ लोग हमें कमजोर करना चाहते हैं, तो कमेरे की लड़ाई में कोई भी कमजोर करना चाहेगा तो चौटाला साहब ने कहा मैं उसको बर्दाश्त। 12 तारीख को तो अजय सिंह जी को निष्कासित कर दिया ना, मीटिंग बुलाने का फैसला आपका आज का है? हमने जो आज किया है निष्कासित, और मीटिंग का फैसला भी हमारा आज है। एक एक करके पूछ लो अरोड़ा साहब, जो वहाँ जाएंगे 17 को, आपको एक तरह से देखा जाए तो अरोड़ा साहब के द्वारा क्लियर कर दिया गया कि मतलब अजय सिंह जी, दुष्यंत सिंह जी, ये सारे पार्टी से बाहर हो गए, अब कोई समझौते की तो बात होनी नहीं है। अरोड़ा साहब, बात मैंने पार्टी के संगठन की बात कही है, परिवार का समझौता हम आज भी भगवान से प्रार्थना करेंगे कि परिवार एक रहे, चौधरी देवीलाल का परिवार है, इकट्ठा रहे, हमें खुशी। जो लोग 17 को मीटिंग में अटेंड करेंगे जींद में, उनके खिलाफ पार्टी क्या एक्शन लेगी? उसके लिए भी हम आपको एक लेटर इशू करेंगे, पब्लिक करेंगे, जो उनको भी दिया जाएगा प्रेस को भी। सभी पार्टी के जो कार्यालय हैं आज भी अंबाला के कई जगह बैठे हैं, उनको इस्तेमाल किया जा रहा है क्या? एक एक करके पूछोगे तो सारों को बता दूं। परवाना जी, परवाना जी, पार्टी कार्यालय हैं, उनको इस्तेमाल करने दीजिएगा। हम ओम प्रकाश चौटाला का जो साइन लेटर है वो आपको दे देंगे। देखिए कौन किसके साथ है, ये बात बाद की है, हमने अपनी पार्टी की तरफ से सभी की मीटिंग 17 तारीख को बुलाई। एक मिनट, आपके मैं एक बात का जवाब देना चाहूंगा। ये बात एमएलए की कर रहे हैं कि कुछ एमएलए कह रहे हैं कि हम उनके साथ हैं, वो जो एमएलए ये बात कहते हैं कि हम उनके साथ हैं और हम इस पार्टी के किसी भी आदेश को मानने को तैयार नहीं, वो लिख करके हमें दे दे, मेरे को दे दे, अपनी तरफ से लिख करके दे दे, मैं कल ही विधानसभा के स्पीकर को वो कॉपी दे दूंगा और कल साथ के साथ ही उनकी मेंबरशिप भी चली जाएगी। कोई भी अगर हमारी पार्टी का एमएलए अनुशासनहीनता करेगा तो 100% उसको कहेंगे कि अगर तेरे में पार्टी से अलग हट करके तू अपने आप को एक बड़ी ताकत मानता है तो फिर तू लिख करके दे स्पीकर को कि मैं INLD की बेंच पे नहीं बैठना चाहता, मुझे दूसरी बेंच अलॉट की जाए। अरे जरूरत ही नहीं है मुझे निष्कासित करने की, अपने आप ही हो जाएगा। नहीं लिख के देगा तो मेरी बेंच पे बैठना पड़ेगा, कहीं नहीं जा सकता।